इस लॉकडाउन के सिचुएशन में घर घर रामायण और महाभारत टेलीविजन पे प्रसारित हो रहा है और इसका मजा हमारे भोजपुरिया स्टार्स भी ले रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे भोजपुरिया स्टार, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी हो, निरहुआ हो या प्रदीप पांडे चिंटू हो, सभी इस वक्त महाभारत और रामायण दोनों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी हाँ, सभी ने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए सभी ने ये कहा कि जब बचपन में महाभारत और रामायण आया करता था तो हम सारे काम काज छोड़ देखने बैठ जाया करते थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ ये बताते हैं कि किस तरह से भगवान राम युद्ध करते हैं, ये सब कुछ रामायण टेलीविजन पे ख़त्म हो जाने के बाद हम सभी भाई आपस में बैठ कर ये सारी चर्चाएँ किया करते थे और साथ ही साथ रामायण की पंक्तियाँ भी गाया करते थे। और तो और रामायण आने पर उस वक्त इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाया करता था, उस वक्त भी लॉकडाउन हो जाया करता था। कितने डाउन टू अर्थ हैं। साथ ही साथ पवन सिंह इन दिनों अपने गांव में हैं। भाई गांव में हैं तो क्या हुआ, आपको बता दें कि पवन सिंह रामायण का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। साथ ही खेसारी लाल यादव भी यही कर रहे हैं, रामायण का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। यहाँ खेसारी लाल यादव ये भी कहते नज़र आए कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से रामायण और महाभारत दोनों हमारी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। साथ ही खेसारी ये भी कहते हैं कि वो पूरे परिवार के साथ बैठकर रामायण देखते हैं। फिर बात अरविंद अकेला कल्लू की हो या फिर प्रदीप पांडे चिंटू की, सभी इन दिनों रामायण को खूब जोरों शोरों से देख रहे हैं। और तो और 90s के ज़माने के जितने भी पॉपुलर सीरियल हैं, दूरदर्शन जल्द ही उनके और भी प्रसारण करने वाला है। तो अब भाई 90s के किड्स के लिए बीता दौर फिर से आने वाला है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।